सो गाइज़, मैं हूँ अभी नेहरू प्लेस में और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अलग अलग पीसी बिल्ड्स की कोटेशन दिखाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट बजट के अंदर। तो अगर आप लोग का बजट है 30,000 रुपीज़, या फिर आप लोग का बजट है 40 या फिर 50,000 रुपीज़, या फिर आप लोग का बजट और ज़्यादा है 1,00,000 रुपये के आसपास, तो सारे ही बिल्ड के यहाँ पर आप लोग को मैं कोटेशन दिखाने वाला हूँ। और ये सारे प्राइसेज जो हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइसेज हैं, तो आप लोग अगर अभी पीसी बिल्ड करवाने जाते हो तो लगभग आपको सिमिलर प्राइसेज मिलने वाले हैं, बस 1-2 हज़ार जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग 29,000 से लेके 1,00,000 रुपीज़ तक के पीसी बिल्ड की कोटेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली कोटेशन है स्मार्ट टेक एंटरप्राइजेज शॉप से, और बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पर दिख जाएंगी, इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है इंटेल का कोर i3-10100, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ CPU से ही आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। और ये PC वो लोग बिल्ड करवा सकते हैं जिन लोग को सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए PC बिल्ड करवाना है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या फिर थोड़ा बहुत वेब सर्फिंग करनी है, या फिर बहुत लाइट गेमिंग करनी है, और साथ ही में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने रहते हैं, MS ऑफिस यूज़ करना होता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस टाइप की चीज़ें आप लोग इस वाले PC पर आराम से कर सकते हो। तो अब जल्दी से इसके प्राइस और स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर i3-10100 को इंक्लूड किया है, जो है 11,700 रुपीज़ में, 120 GB की SATA SSD है 1,450 रुपीज़ में, MSI का H410 मदरबोर्ड है 5,200 रुपीज़ में, 8 GB की क्रूशियल की रैम है 3,200 रुपीज़ में, 1 TB की हार्ड ड्राइव है WD की तरफ से 2,790 रुपीज़ में, 450 वाट की पावर सप्लाई है एनटेक या कोई और ब्रांड होगा, लेकिन 80+ के वाइट सर्टिफिकेशन के साथ में होगी, तो यह है 2,050 रुपीज़ में। क्रोनस कैबिनेट है ज़ेब्रोनिक्स का RGB फैन के साथ में, जिसके अंदर 4 फैन मिलते हैं 2,650 रुपये में। तो ये टोटल बिल्ड हो जाता है 29,040 रुपीज़ में। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही कंपोनेंट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है या फिर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए किसी भी कंपोनेंट के बारे में, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कोटेशन है IT हब शॉप से। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है Ryzen 3 3200G, जिसका यहाँ पे प्राइस है 14,500 रुपीज़, A320 मदरबोर्ड है 5,150 रुपीज़ में, 8 GB की रैम है 3,690 रुपीज़ में, कोई गेमिंग कैबिनेट है 2,900 रुपीज़ में, और 500 वॉट की एंटी स्पोर्ट्स की यहाँ पे पावर सप्लाई है 2,900 रुपीज़ में, 1 TB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव है 2,690 रुपीज़ में, और शायद यहाँ पे 120 GB की SSD है 1,700 रुपीज़ में, बट यहाँ पे लिखा है 240 GB SSD, लेकिन 240 GB की जो SSD होती है वो कम से कम 2,500 रुपये में आती है, लेकिन यहाँ पे 1,700 लिखा हुआ है, तो शायद ये 120 GB की SSD होगी। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्ड है ये कम्प्लीट हो जाता है 33,500 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है और मदरबोर्ड है, दोनों के ही प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। A320 मदरबोर्ड नॉर्मली 4,000 रुपीज़ में मिल जाता है, और Ryzen 3 3200G लगभग आपको 11,000 रुपये में ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी देखने को मिल जाता है, और नेहरू प्लेस में भी 11,000 से 12,000 रुपये के बीच में आपको Ryzen 3 3200G देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इनने प्राइस दिया है 14,500 रुपीज़, इससे अच्छा तो ये कि आप लोग 1,000 रुपये और मिला के Ryzen 5 3400G ले सकते हो, जो कि लगभग इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और 4 कोर और 8 थ्रेड वाला APU है, जिसके अंदर आपको वेगा 11 के ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं, तो इससे कई ज़्यादा बेटर है 3400G। तो अगर आप लोग 14,000 में ये लेने वाले हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कम से कम 15,000 कर लो अपना बजट, और आराम से Ryzen 5 3400G को कंसीडर कर लो। नेक्स्ट कोटेशन है अभी का रिटेल शॉप से। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इंटेल का i5-10400, जो कि यहाँ पे है 17,000 रुपीज़ में। अब इसके अंदर भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलते हैं, तो अलग से कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके CPU से ही आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, और MSI का यहाँ पे H410 मदरबोर्ड है VH करके जो आता है 5,500 रुपीज़ में, और यहाँ पे है 240 GB की SATA SSD 2,650 रुपये में, 8 GB की यहाँ पे रैम है 3,500 रुपीज़ में, एंटी स्पोर्ट्स का 200TG कैबिनेट है 3,250 रुपीज़ में, 450 वॉट की यहाँ पे पावर सप्लाई है कॉर्सेर की 3,050 रुपये में। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक इंक्लूड किया है मॉनिटर भी,
जो कि है IPS पैनल के साथ में 75Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में 22 इंच का फुल HD मॉनिटर 10,500 रुपीज़ में। प्लस यहाँ पे आपको असेंबलिंग के भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी शॉप पे जो असेंबलिंग होती है विंडोज़ और ड्राइवर वगैरह वो सब फ्री में डाल के देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बिल्ड की कोटेशन है स्मार्टटेक एंटरप्राइजेज शॉप से। तो ये PC बिल्ड उन लोगों के लिए है जिनका कंटेंट क्रिएशन का काम है, यूट्यूबर हैं या फिर वो लोग गेमर हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करना ज़रूरी रहता है उन लोगों के लिए, तो ये PC बिल्ड उन लोगों के लिए है। बाकी अगर आप लोग नॉर्मल अपना गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो आप लोग ये वाला PC बिल्ड मत करवाना अभी के लिए, आप लोग थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। अभी जो GPU के प्राइसेज हैं वो धीरे धीरे डाउन होने लगे हैं, तो लगभग 2 या 3 महीने के अंदर जो है काफ़ी हद तक प्राइस जो है वो आपको कम मिलेंगे, तब जाके आप लोग अपने लिए PC बिल्ड करवा सकते हो। लेकिन जिन लोग का काम सच में रुका हुआ है वो लोग ये वाला PC बिल्ड अभी करवा सकते हैं। और कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे Ryzen 5 3600 का प्राइस है 17,900 रुपीज़, MSI का B450M Pro VDH Max मदरबोर्ड है यहाँ पे 6,800 रुपीज़ में, 240GB की SATA SSD है 2500 रुपये में, Corsair की 16GB की मेमोरी किट है, 8 GB की दो मॉड्यूल्स 3200 MHz पर 7,900 रुपीज़ में, और WD की यहाँ पे 1 TB की हार्ड ड्राइव है 2790 रुपीज़ में। पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे Antec की 550 वॉट की पावर सप्लाई 2690 रुपये में, और Antec का NX200 कैबिनेट 2550 रुपये में, 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड है 47,000 रुपीज़ में, LG का 24 इंच का यहाँ पे मॉनिटर है IPS पैनल के साथ में और 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में 13,000 रुपीज़ में, और कीबोर्ड और माउस का यहाँ पे कॉम्बो है ज़ेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर 1150 रुपये में। तो ये हमारा फुल सेटअप PC बिल्ड हो जाता है 1,04,280 रुपीज़ में। प्लस आपको कोई एडिशनल चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं पे भी असेंबल और विंडोज़ वगैरह के लिए। बाकी कुछ शॉप हो सकती हैं जहाँ पे आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर शॉप ऐसी हैं जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता असेंबल करवाने का। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग आए हो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।